जय जगन्नाथ नमस्कार मेडिकल एसेसर यूट्यूब चैनल को मौज कांसर पांडा एमबीबीएस एडमिशन काउंसलर आपमन को स्वागत कर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर एमबीबीएस एडमिशन एंड नीट यूजी 2023 काउंसलिंग जो स्टूडेंट्स माने नीट एग्जाम देते नीट रिजल्ट पब्लीश हो सारा काउंसलिंग माध्यम रे एमबीबीएस हो बीडीएस हो बीएमएस हो बीएचएमएस कोर्स एडमिशन पे चाहूँगी से किसी डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड दरकार विदाउट डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स मैंने कैरियर कोर्स एडमिशन हो पारे ना किसी डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग टाइम दरकार किसी डॉक्यूमेंट्स एडमिशन टाइम दरकार किसी डॉक्यूमेंट्स क्लास टाइम दरकार तो स्टूडेंट्स मैं कौन डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके पड़ो एमबीबीएस कोर्स हो बीडीएस कोर्स एडमिशन ना एंड काउंसलिंग को प्रॉपर भल करें आज भी आम डिस्कशन करवा कौ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौ डॉक्यूमेंट्स पर अरेंज कर चलो कौ भी डॉक्यूमेंट्स बिना आपबीएस कोर्स एडमिशन नहीं पारे ना आज भी आपने देखते वीडियो को स्टार्ट करने पर जब आप चैनल नुआ अच्छे चैनल को निश्चय विजिट करते कि आपने चाहते आम मध्यम काउंसलिंग पे कर भल गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो डीम यूनिवर्सिटी हो एमबीएस कोर्स हो बीडीएस कोर्स एडमिशन चाहते आमर काउंसलिंग सर्विस अच्छी पेड काउंसलिंग सर्विस अच्छी आम सहित मतलब जोजोग करेंगे डिस्क्रिप्शन में कंटाक्ट नंबर दि जाएगी एंड ऑफिस एड्रेस अच्छे जोजोग करेंगे कि जो स्टूडेंट्स मैंने किसी वीडियो जापार ना आमको क्वेश्चन आसूसी आम गोटे टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया है टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब करते से 2022 एंड 23 जहाँ भी आम वीडियो अपलोड करूँ सब वीडियो से अवेलेबल अच्छी अल नोटिस अवेलेबल अच्छे आपने देखिपारे आगे भी जहाँ काउंसलिंग माध्यम अपडेट आसो आम टेलीग्राम चैनल इमीडिएटली अपडेट दबो तो कौन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर पड़ो आपको एमबीएस एडमिशन दे किसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर पड़े काउंसलिंग टाइम में किसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर पड़े आपको एडमिशन टाइम में किसी डॉक्यूमेंट्स क्लास टाइम में दरकार पड़े तो कितनी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पाखे 70-80 डॉक्यूमेंट्स आम देखु किसी डॉक्यूमेंट्स अलग अलग स्टेट में दरकार आम गोटे गोटे डिस्कशन करवा जो देखा डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होती नीट एडमिट कार्ड नीट एग्जाम सरगला किसी स्टूडेंस एडमिट कार्ड रखती नहीं भावती एडमिट कार्ड आपको कौन दरकार पड़ो कि एडमिट कार्ड गोटे भेरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर आपको एमबीएससी एडमिशन पर तो नीट एडमिट कार्ड आप पाखे रखु जब आप पाखे ना एवं भी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके पाखे रखी था एडमिट कार्ड आपको गोटे कंपलसरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स देन नीट स्कोर कार्ड नीट रिजल्ट बाहर गला जो स्कोर कार्ड आसो जो क्वालिफाइंग कट मार्क आसो क्वालिफाई कट मार्क जब आपको अधिक अच्छी आप काउंसलिंग फेस करेंगे एंड से स्कोर कार्ड आपको गोटे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हम आपर काउंसलिंग टाइम सहित 10th बोर्ड सर्टिफिकेट 10th बोर्ड सर्टिफिकेट आपको गोटे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कारण सहित आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ थी किंबा बर्थ सर्टिफिकेट ये जो बर्थ सर्टिफिकेट कथ होती केवल आम स्टेट काउंसिलिंग में मगा जाए बर्थ सर्टिफिकेट ऑल इंडिया काउंसिल आपको दरकार ना स्टेट काउंसिल जब आप फॉलो करेंगे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगे कि 10th सर्टिफिकेट थी आप बर्थ सर्टिफिकेट हिसाब से आपको काम कर देन आसा 12th मार्कशीट 12th मार्कशीट आप गोटे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कहीं जो एमबीबीएस एडमिशन जो क्राइटेरिया रोचे कैटेगोरी जनरल कैटेगोरी ओबीसी कैटेगोरी एससी कैटेगोरी एससी कैटेगोरी जो पीसी जो परसेंटेज रोचे से परसेंटेज को मैच करने 12th मार्कशीट भेरी गोटे इंपोर्टेंट एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नीट काउंसलिंग एंड एमबीएस एडमिशन सहित 12th सर्टिफिकेट किसी स्टूडेंट्स मैं 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट तो गोटे फर्मेट आसूस किसी स्टूडेंट्स मैं अलग जो आम सीएचसी स्टूडेंट्स देखा दुईट सर्टिफिकेट आसे किसी सीबीएसई मैं गोटे सर्टिफिकेट आसे तो आपके जहाँ भी सर्टिफिकेट थी 12th ये दुईट सर्टिफिकेट मैंडेटरी गोटे सर्टिफिकेट गोटे मार्कशीट आउ गोटे आप सीएलसी सीएलसी हो किंबा टीसी हो जोटा कि आपंकर जो लास्ट थी आपको जब 12th पास करेंगे ड्रॉप नहीं नीट देते तेल आप 12th टीसी लगे कि प्लस थ्री एडमिशन करते अलग कोर्सेस एडमिशन करते तो जो भी आप लास्ट कोर्स थी एडमिशन करेंगे एंड एमबीएस कोर्स एडमिशन आप चाहते से लास्ट कोर्स सीएलसी कॉलेज आने को पड़ो कि टीसी आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट आनी पड़ेगा जोटा कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स किसी स्टूडेंट्स मैंने यही कन्फ्यूज हो जाते जो मैंने अलग अलग कोर्स एडमिशन नहीं जाइंट कि नीट परीक्षा देते मार्क बोर्ड लाइन अच्छी से कन्फ्यूज होती जब जब टीसी नहीं आसीबू तो आपको सीट न मिला से सीट आम कैंसल हो तो गोटे टीसी आगे अंडरटेकिंग देना रखा जाता एडमिशन को होल्ड कर आगे एडमिशन होता है पचर पिला टीसी आने कि टीसी गोटे कंपलसरी कराई विदाउट टीसी कौन भी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं पारे नहीं कौन मेडिकल कॉलेज में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो तो टीसी गोटे एडमिशन टाइम में भेरी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो जाए चाहे आप स्टेट काउंसलिंग हो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो कि अदर स्टेट ओपन काउंसलिंग हो सहित 12th माइग्रेशन जो कॉलेज में आपको लास्ट स्टडी थी तरह आपको माइग्रेस सर्टिफिकेट गोटे इंपोर्टेंट अच्छी माइग्रेस सर्टिफिकेट किसी न न था तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपंत ये गोटे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रोचे सहित रेसीडेंट सर्टिफिकेट किंबा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये जो रेसीडेंट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल गोटे सर्टिफिकेट रेसीडेंट सर्टिफिकेट जहाँ कहा जाए डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहा जाए कि जो सर्टिफिकेट बाहर से लिखा हो रेसीडेंट सर्टिफिकेट रेसीडेंट सर्टिफिकेट केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग दरकार नहीं ऑल इंडिया काउंसलिंग आपको फ्री रेसीडेंस अच्छी आपको दरकार नहीं कि जो स्टेट काउंसलिंग फॉलो करेंगे स्टेट काउंसलिंग आपको 85% स्टेट काउंसिल ओजी काउंसलिंग फॉलो करेंगे से आपको कंपलसरी रेसीडेंट सर्टिफिकेट दरकार विदाउट रेसीडेंट सर्टिफिकेट आपशार गवर्नमेंट कॉलेज हो कि स्टेट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो एडमिशन नहीं पारे ना कि गोटे कंपलसरी डॉक्यूमेंट दरकार प्रत्येक स्टेट काउंसिल देखिए आपको स्टेट पिला डोमिसाइल सर्टिफिकेट गोटे कंपलसरी दरकार कारण आपको ओडिशा रोकता दरकार आपको ओडिशा 15% कोटार 85% कोटार बेनिफिट मिले एंड कैटेगोरी बेनिफिट मिले जब आप रेसीडेंसी सर्टिफिकेट अच्छी एंड परमानेंट रेसीडेंसी सर्टिफिकेट अच्छे
किसी पेरेंट्स क्वेश्चन थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग रेसीडेंस अलग से अलग नुह गोटे सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ रेसीडेंस सर्टिफिकेट दिया कैटेगरी सर्टिफिकेट ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आसा अलग अलग कैटेगरी गोटे ओबीसी कैटेगरी गोटे ईलोस कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स मैं एंड ईलोस कैटेगरी गोटे फॉर्मेट डेट दिखाई ये डेट सुधा से सर्टिफिकेट बाहर करते हैं सर्टिफिकेट वैलिडिटी हम कहीं फाइनेंस ईयर को लेकिन डॉक्यूमेंट्स चेंजेस हुए जो स्लैब रखाई पेमेंट जो स्लैब एनुअल इनकम स्लैब रखाई से स्लैब सर ईयर टू ईयर फाइनेंस हिसाब से चेंजेस हुए से हिसाब से ओबीसी कैटेगरी एंड ईलोस कैटेगरी सर्टिफिकेट बाहर करना पड़ा एंड एससी एसटी कैटेगरी एससी एसटी स्टूडेंट मान कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लगे द्वारा परमानेंट वैलिडिटी सर्टिफिकेट पर जो सर्टिफिकेट थी चाहे स्टेट काउंसिल जो स्टेट गवर्नमेंट थारो कि ऑल इंडिया काउंसिल थारो से सर्टिफिकेट लगे कि जो ओबीसी कैटेगरी से नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो दरकार आपको जब नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो ओबीसी पिलांकर सेटा काम करता सहित आउ दो दुई तीन कैटेगरी रोचे ओडिशा गोटे ग्रीन कार्ड ग्रीन कार्ड मैं सर्टिफिकेट किसी दरकार ना ग्रीन कार्ड स्टूडेंट्स मैं पाखे जो ग्रीन कार्ड आसते हैं पाखे ग्रीन कार्ड गोटे बुक थी से बुक ही से डॉक्यूमेंट्स लगे से बुक ही सबमिट करा पड़ा एडमिशन नाम हो कि काउंसिल नाम पड़ा जो मानकर ई सर्विस ई सर्विस पिला काउंसलिंग पूर्व जो बोर्ड अच्छी ई सर्विस जो बोर्ड अच्छी से बोर्ड को डॉक्यूमेंट सबमिट करा पड़ा से बोर्ड गोटे लिस्ट पठाई देते आपन काउंसलिंग थ्रू पाक से काउंसलिंग थ्रू जो लिस्ट पब्लिश करेंगे से समय आपको कौन से डॉक्यूमेंट दरकार पड़ा ना कि आपको स्टेट ई सर्विस जो बोर्ड ऑफिस अच्छी से बोर्ड ऑफिस पेरेंट्स डॉक्यूमेंट सबमिट कलापर से बोर्ड आपको वेरीफाई करके काउंसलिंग थ्रू पठाइए से आग हो जाए जो मैं पीसी कैटेगरी अच्छी फिजिकल हैंड थोड़ा डॉक्यूमेंट्स पाखे जो पीसी सर्टिफिकेट थे दरकार होना कारण पीसी एडमिशन से गोटे काउंसलिंग मेडिकल बोर्ड गठन करा गोटे मेडिकल टेस्ट देखा पड़ा एससी मेडिकल टेस्ट देखा पड़ा एससी मेडिकल तरफ जो मैंने इलीजिबल होते से स्टूडेंट्स मैं गोटे लिस्ट काउंसलिंग अथॉरिटी पठाया पड़ा से काउंसलिंग अथॉरिटी जो स्टूडेंट्स नेम आसी से स्टूडेंट्स मैंने पीसी कैटेगरी स्तर एडमिशन नहीं पारे तो से कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार ना कि जो टेस्ट देते टेस्ट रिपोर्ट हिंसा भेरी इंपोर्टेंट पड़े देन आसगला आपंकर एनआरआई डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट्स मैंने मैनेजमेंट कोटा एडमिशन ने प्राइवेट ने कि गवर्नमेंट तो कौन से एनआरआई कोटा ना केवल प्राइवेट अच्छी चाहे सब मेडिकल कॉलेज हो किम्स हो कि हाईटेक भुवनेश्वर हो हाईटेक राउरकेला हो कि डीम्स जो डीम्स नुआ मेडिकल कॉलेज खोली सेठी हो एनआरआई कोटा एडमिशन ना चाहिए एनआरआई डॉक्यूमेंट सहित एनआरआई डॉक्यूमेंट्स मतलब एडिशनल लगे एनआरआई डॉक्यूमेंट्स भितर जमी पासपोर्ट है भिसा है आपंकर रिलेसनशिप एफिडेविट है फीस एफिडेविट है एम्बेसी सर्टिफिकेट है जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स मगाई काउंसिल अथॉरिटी पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा जो गाइडलाइन दी जाइए जो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक थी जो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स थे आपको एक्सेप्टेबल थी से डॉक्यूमेंट्स आपको जी थी एनआरआई कोटा डॉक्यूमेंट्स तेल आप एनआरआई कोटार प्राइवेट हाई बजेट देखिए एडमिशन नहीं पारे से एनआर डॉक्यूमेंट्स आप कंपलसरी दरकार आशा सहित सर्विस वन आम ओडिशा रे गोटे दुई वर्ष सर्विस बंद लागू होती मैं टू इयर रूरल सर्विस बंद कराई जो स्टूडेंट्स मानक आलर्ट आसो से प्राइवेट में मिलना नहीं केवल गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स मैंने गवर्नमेंट में एमबीबीएस एडमिशन ने गवर्नमेंट में बीडीएस एडमिशन ने स्टेट कोटार हो कि ऑल इंडिया कोटार ओडिशा एडमिशन ना कहे गोटे सर्विस बंद लगुच सर्विस बंद स्टूडेंट्स मानक देवाक पड़ा जो टाइम से एडमिशन ने स्टूडेंट्स मैंने तैयारी करेंगे गोटे बैंक ग्यारंटी आम ओडिशा ना अलग ओपन स्टेट जो प्राइवेट एडमिशन ने बैंक ग्यारंटी ऑप्शन अच्छी जमी छत्तीसगढ़ है वेस्ट बंगाल है आंध्र है तेलंगाना है यही स्टेट जो प्राइवेट एडमिशन आप चाहते हैं कॉलेज मानक तरफ बैंक ग्यारंटी अच्छी बैंक ग्यारंटी आपको अरेंज कर पड़ा आट द टाइम अफ एडमिशन से आ गए गैप सर्टिफिकेट गैप सर्टिफिकेट हो गैप सर्टिफिकेट आपको काउंसिल नेम दरकार होनी जो टाइम आपंकर कॉलेज में क्लासेस करेंगे कि कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे से टाइम आपको गैप सर्टिफिकेट दरकार तो सब कॉलेज भी गैप सर्टिफिकेट मागू ना किसी कॉलेज मागुचे किसी कॉलेज मागुना जब आप ट्वेल्थ पास ठार नीट प्रिपेरेसन टू टू थ्री मध्य गैप थी से मागते आप समय भर कौन करते लास्टेस्ट आप स्टडी लास्ट टीसी सर्टिफिकेट थी 2023 एंड 2023 एमबीसी सर्टिफिकेट से पाला गैप सर्टिफिकेट दरकार नहीं जब आपर किसी गैप अच्छी आपको नीट क्वालिफाई करवा ठार एंड आपर लास्ट सीएलसी ठार गैप अच्छी तेल आप गैप सर्टिफिकेट लगे से आप गोटे एफिडेट माध्यम देपारे कि आप जो कॉलेज में लास्ट एडमिशन नहीं थे से कॉलेज में गोटे फॉर्मेट लेखा आनी पारे आप कॉलेज में पढ़ुते से मतलब गैप सर्टिफिकेट लगे आउ गोटे आपको जो क्लासेस करेंगे कॉलेज रिपोर्टिंग करेंगे से समय किसी डॉक्यूमेंट्स दरकार गोटे एंटी रैंकिंग डॉक्यूमेंट्स जो गोटे स्टूडेंट्स देते पेरेंट्स देते स्टूडेंट्स एमबीबीएस स्टडी भितर से कौन से लीगल काम करेंगे ना से गोटे एंटी रैंकिंग फॉर्मेट आंटी रैंकिंग एफिडेविट दिया जाए सर आपको आट द टाइम अफ क्लासेस टाइम स्टूडेंट्स को लगे स्टूडेंट्स आधार कार्ड कंपलसरी रोचे आईडेंटिटी प्रूफ एंड स्टूडेंट्स फोटो लगे फोटो जो फोटो नीट्र आप्लिकेसन फर्म टाइम आपने फिलअप करते अपलोड करते से सेम फोटो को मिनिमम 20-25 रखिथे काउंसिल टाइम से फोटो को अपलोड करा पड़ा एंड एडमिशन टाइम से सेम फोटो को आपको लगे सहित किसी काउंसिल तरफ स्टूडेंट्स सिग्नेचर मगा जाए पेरेंट्स सिग्नेचर मगा जाए थर्म इंप्रेशन मगा जाए स्कैन कर अपलोड रखिथे यही डॉक्यूमेंट्स आपको निर्देश तो ये डॉक्यूमेंट्स
से आपको निहत दरकार आउ किसी अदर अदर ओपन स्टेट अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अच्छे जमीन आपको साउथ साइड की जी से इक्वेलेंस सर्टिफिकेट अच्छी स्टडी सर्टिफिकेट अच्छी वेस्ट बंगाल जी से अलग सर्टिफिकेट अच्छी आपंकर छत्तीसगढ़ काउंसिलिंग फर तर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अच्छे तो अलग अलग काउंसिलिंग अथॉरिटी तरफ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट मगा जाए से हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर एमबीएस कोर्स हो बीडीएस कोर्स हो बीएमएस हो बीएचएस कोर्स हो एडमिशन ले पारे कि जो स्टूडेंट्स मैंने ऑल इंडिया काउंसिल एडमिशन ने ऑल इंडिया काउंसिल डोमिसाइल फ्री था ऑल इंडिया काउंसिलिंग आपको आगे काउंसिलिंग करेंगे देन आपको एडमिशन टाइम आपको काउंसिलिंग एडमिशन नाइबर कॉलेज तरफ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइब से ही समय कॉलेज तरफ जहाँ डॉक्यूमेंट्स मगाज से डॉक्यूमेंट्स आपको दिया जाए कि जो स्टेट काउंसिलिंग आपने फॉलो करेंगे से आगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा आपको मेरिट लिस्ट आसो मेरिट लिस्ट आसला आपड़ चॉइस फिलिंग करेंगे लॉकिंग करेंगे एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स आपड़ अपलोड करेंगे से डॉक्यूमेंट्स को आपको एडमिशन टाइम में तार ओरिजिनल कॉपी को सबमिट करा पड़ा तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल कॉपी सहित मिनिमम तीन टी सेट जेरक्स कॉपी पैक रखिथे ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होता दरकार कौन से भितर फॉल्स नदी आपको देखिए डॉक्यूमेंट्स किसी फॉल्स बाहर तो स्टूडेंट्स एडमिशन कैंसिल हो जाए तो लीगल एक्शन स्टूडेंट्स प्रति हुए तो स्टूडेंट्स मैंने मिनिमम ये डॉक्यूमेंट्स को आपने अरेंज करूँ कि अलग अलग जो स्टेट काउंसिलिंग फॉलो करने चाहिए से काउंसिलिंग तरफ जिते गोटे काउंसिलिंग ब्रोचर कि इनफर्मेशन ब्रोचर को पब्लीश कर से ब्रोचर डिटेल्स लिखा है आपको काउंसिलिंग टाइम एंड एडमिशन टाइम से स्टेट एडमिशन कौन कौन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स दरकार से डॉक्यूमेंट्स को आपड़ प्रॉपर वे अरेंज करेंगे देखिए आपको से स्टेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आपको कौन से असुविधा हो ना कि मिनिमम ये आम डॉक्यूमेंट्स कहलु से डॉक्यूमेंट्स आपको निहाती रिक्वायरमेंट पड़ा कैटेगरी हिसाब से अलग अलग पड़ा तो सब स्टूडेंट्स में सब डॉक्यूमेंट्स दरकार ना कैटेगरी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स चेंज हो एडमिशन हिसाब से डॉक्यूमेंट्स चेंज हो चाहे गवर्नमेंट अलग प्राइवेट पर अलग डीमिट पर अलग अदर स्टेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चेंज हो कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपको कहलु एति डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करूँ एडमिशन टाइम में आपको कौन से असुविधा हम ना एति डॉक्यूमेंट्स मिनिमम दरकार आपको नीट काउंसलिंग फॉलो करने एंड एमबीबीएस एडमिशन होगा 2023-24 सेक्शन आज जब किसी डॉक्यूमेंट्स मगा जाए नुआ नुआ डॉक्यूमेंट्स किसी एड कराए काउंसलिंग टाइम आम आपको वीडियो को अपडेट करूँ जब काउंसलिंग जितने नोटिफिकेशन आसीब काउंसलिंग जितने ब्रोचर आसमें स्टडी कालापर देखिए जब किसी नुआ डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स तरफ अलग किसी नुआ डॉक्यूमेंट्स मगा जाए से समय आपको आम आउ थे इनफर्म करूँ कि या पूर्व जो काउंसलिंग होता है ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स मानक एडमिशन लगुता या अलग डॉक्यूमेंट्स किसी दरकार ना जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दरकार है जो स्टूडेंट्स मैंने नीट एक्सपीरियंस अच्छा जो मैंने काउंसलिंग फॉलो करेंगे शेयर करें वीडियो को निश्चय जानवे जब भिडियो भल लगे निश्चय लाइक करेंगे किंवा जब आपने चाहते आम मध्यम काउंसलिंग फॉलो कर गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो भल मेडिकल एडमिशन चाहूबे आम सहित जोजोग करेंगे डिस्क्रिप्शन कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑफिसर से विजिट करके आम ठीक जानकारी पारे पुणी देखा नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो सहित जय जगन्नाथ नमस्कार।